समझ नहीं आ रही कि क्या कहूं। फवाद ने खुद जेबू का नाम लिया है, बहुत पसंद करता है वो उसे। जेबू ने इनकार कर दिया तो बहुत दुख होगा उसे। कैसे मुमकिन होगा ये सब सफीना? फवाद की हालत तुम्हारे सामने है, कैसे मानेगी जेबू? क्यों नहीं मानेगी? हमारे घर का फर्द नहीं है, हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है वो। उसे एहसास होना चाहिए हमारी तकलीफ का। बात सुने, जेबू फवाद की खुशी है, उसके साथ वो बहुत खुश रहेगा। दोनों की शादी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, फवाद बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना ये दुख उसे और कमजोर कर देगा। फयाज, समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे मुमकिन होगा। सब मुमकिन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर जेबू मान जाए तो। और अगर जेबू ना मानी तो फिर क्या होगा? अगर हमने जेबू पे ज्यादा जोर डाला तो वो खफा होकर सिकंदर के पास चली जाएगी। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, आप देखिएगा, मान जाएगी जेबू। इतनी पत्थर दिल नहीं है वो कि खाला की मुश्किल का एहसास भी ना करे। ठीक है, देखते हैं। सुबह फवाद को डॉक्टर के पास लेके जाने वाले, मैं अलार्म लगा दूंगा, पता नहीं हॉस्पिटल में कितना टाइम लगे।